हेलो एंड वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में आखिर काउंसलिंग कब से शुरू करेगी, यानी कि जो टॉप यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है सीयूईटी पीजी में, वो काउंसलिंग कब से स्टार्ट करेंगी आप सभी का। और दूसरा जो अपडेट है वो आप सभी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी लोग पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है वो आखिर कैसे होगा आप सभी का। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जैसे BHU हो गया, JNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया, BBAU, शिवराज, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि CUET PG में शामिल है। तो अगर हम बात करें इनकी काउंसलिंग प्रोसेस की, तो यूनिवर्सिटी जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और जैसे ही इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, मुझे अनुमान है कि जल्दी इस बार प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। 2 से 3 हफ्ते के अंदर CUET PG के थ्रू आपका जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ सहित जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट करेगी। इसका नोटिफिकेशन 1-2 हफ्ते के अंदर आना शुरू हो जाएगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ का। देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी सारे नियम कानून होते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न की वजह से, चुनाव का भी एक रीज़न है, जो कि जो लोकसभा का चुनाव है वो भी एक रीज़न है। इस वजह से थोड़ा इस बार हो सकता है कि डिले हो, लेकिन देखते हैं ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। अगर वहीं कुछ लो रैंक की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे सीयू असम, नागालैंड, मणिपुर, पुडुचेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, CUSB, MGCUB, ये सब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इनका जो काउंसलिंग है वो 1-2 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़, पिछले बार की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ़ द जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कि लो रैंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे CUSB गया, MGCUB मोतिहारी विहार, और आपका CU जम्मू हो गया, CU कश्मीर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, आंध्रा यूनिवर्सिटी आसाम, पुडुचेरी वगैरह, जी इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी 1-2 हफ्ते के अंदर। इस बार MGCUB ऑलरेडी अपना काउंसलिंग पोर्टल का नोटिफिकेशन रिलीज कर चुकी है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, कम मार्क्स है, बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं या किसी भी राज्य से हैं, अगर आप बिहार आके पढ़ना चाहते हैं तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और उसका वीडियो भी बन चुका है, जाके आप सभी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका लो मार्क्स पे एडमिशन आखिर कैसे होगा इस बार। तो देखिए, अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लो मार्क्स पे एडमिशन की चांसेस की, तो इस बार 2 कारण है इसका। पहला कि इस बार एग्ज़ाम जल्दी हुए हैं, इस वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स अभी कम्प्लीट नहीं होगा, यानी कि जो 6th सेमेस्टर है वो कम्प्लीट नहीं होगा, या 8th सेमेस्टर जितने भी साल का आपका कोर्स होता है उतना भी कम्प्लीट ही नहीं होगा। लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही अभी नहीं हुआ है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम आपका मई या जून में होने वाली है। जून महीने में मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ अपना जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कराती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है फिर भी आप तो एडमिशन ले ही सकते हैं, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी अपना मार्कशीट जो है सबमिट कर सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लो मार्क्स का एडमिशन का एक और रीज़न है कि इस बार जो कैंडिडेट है वो एडमिशन के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज में और काफ़ी सारे कॉलेजेस भी इस बार बढ़े हैं, तो नियर बाई भी कई सारे स्टूडेंट अपना एडमिशन कराएंगे। जैसे MA के कई सारे कोर्सेज हैं वो दूर नहीं चाहेंगे, अपने घर के आसपास के या अपने राज्य में ही एडमिशन कराना चाहेंगे। और भी कैटेगरी भी एक रीज़न है, SC और ST जो कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं या EWS के हैं, इस बार पिछले साल की तुलना में थोड़ा लो यानी कि कम स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो हो जो टॉप यूनिवर्सिटी है लाइक BHU आपका, JNU हो गया, या इस तरीके की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, शिवराज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका हो गया, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आपका, शिवराज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, तो इनमें आपका पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा। आप सभी देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज भी कम कट ऑफ जाएंगे और कई सारे जो प्रमुख कोर्सेज हैं उसमें भी इस बार कट ऑफ कम जाने का अनुमान है। और पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज़ है ये भी एक कारण है कि काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब रीज़न है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका जो इस बार एडमिशन है वो लो मार्क्स पे भी हो जाएगा। अगर आपका 60-70 मार्क्स भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे भी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है किसी यूनिवर्सिटी से तो अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, और जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट का भी रिप्लाई आपको मिलेगा। और साथ ही साथ कोई ज़्यादा डाउट होता है, कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं,
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए और मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा ज़रूरी होने पे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।